आज किला पुलिस स्टेशन में मैं और मेरे तमाम ही साथी हम लोग आए थे। कल किला पुलिस स्टेशन के एपीआई साहब ने हमको नोटिस दिया था और आज हाजिर रहने के लिए उन्होंने हमको कहा था। जो कॉरपोरेशन के अंदर जो एहतजाज हम लोगों ने किया था, आंदोलन किया था, तो म्यूनिसिपल कमिश्नर ने, कॉरपोरेशन ने हमारे ऊपर एफआईआर किया है, गुना दाखिल किया है। और यहाँ पर गुना दाखिल हुआ है, हम तमाम ही 30-40 लोगों का नाम उसके अंदर है। और आज हम लोग हाजिर हुए और आज हमने हमारा जवाब यहाँ पर दिया है। पुलिस का काम है, कोई कंप्लेन देता है तो कंप्लेन लेना, और हमारा अपना काम है कि कानून का पालन करना। आज हमने कानून का पालन किया, आज हम यहाँ पर आए, हमने हमारा तमाम ही हमारे 18 साथियों ने यहाँ पर हमारा जवाब दिया है। और पुलिस से हमने ये कहा है कि जब भी आपको ज़रूरत महसूस होगी, और 2-4-5 दिनों में, 10 दिनों में, या जब भी आपको लगेगा कि आप हमारी और ज़रूरत है, तो ज़रूर हम लोग जवाब देंगे और पुलिस को पूरी मदद करेंगे। एक बात। दूसरी बात, जो ये मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कमिश्नर के पास दो कानून चलते हैं। एक कानून ये चलता है कि अगर एक नंबर प्रभाग कार्यालय में अगर शिवसेना वाले कुर्सी तोड़फोड़ कर देते हैं, टेबल फेंक देते हैं, अधिकारियों को मारते हैं, तो ताला लगा दिया। ताला लगा देते हैं, तो भी कमिश्नर कॉरपोरेशन उन लोगों के ऊपर गुना दाखिल नहीं करता, पुलिस केस नहीं करता। या आगरा रोड के ऊपर कमिश्नर के ऊपर गटर का पानी डाल दिया जाता है, अपमान किया जाता है, बेइज्जती की जाती है, तो भी कोई भी कंप्लेन नहीं होती। हम ये नहीं बोलते कोई भी सियासी पार्टियों के वर्करों के ऊपर कंप्लेन नहीं होना चाहिए, लीडरान पे कंप्लेन नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ जब भेदभाव कहाँ हो रहा है, एक तरफ दो पार्टी के लोग कमिश्नर का अपमान करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उनके ऊपर गुना दाखिल नहीं होता, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग हम अगर आंदोलन करते हैं, एहतजाज करते हैं, और कॉरपोरेशन में अगर हम लोग काली पोत देते हैं बोर्ड के ऊपर, तो हमारे ऊपर सियासी दबाव के अंदर गुना दाखिल होता है। ये असल में दो कानून चल रहे हैं कॉरपोरेशन के अंदर। उसकी वजह क्या है? सिर्फ एक मकसद है कमिश्नर का, प्रशासक का और सियासी लोगों का, जिसका कमिश्नर के ऊपर आशीर्वाद है ऐसे सियासी लोगों का, कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वाले खामोश हो जाए। खामोश क्यों हो जाए? इसके लिए कि भुयारी गटर के टेंडर के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार करने उनको मौका मिल जाए। दूसरी बात, खिचड़ी के टेंडर के अंदर मनमाना ऑर्डर देना, भ्रष्टाचार करने के लिए उन लोगों को मौका मिल जाए। और कॉरपोरेशन के अंदर अलग 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 भ्रष्टाचार करने का उनको मौका मिले। दूसरी अहम बात जो मैं जिक्र करना चाहता हूं आप लोगों के सामने, कि 682 लोग कि जो मेगा भर्ती कॉरपोरेशन में होने वाली है, वो मानधन और टेम्परवरी जॉब वालों को डायरेक्ट दे देना। और मेरी मालूमात के मुताबिक कि 15-15 लाख रुपया लेकर बहुत बड़ी साजिश रची गई, इस तरीके से हम लोग हट जाए और मालेगांव शहर के नौजवान जो नौकरी हासिल करना चाहते, उन लोगों को नौकरी ना मिले और उनके साथ नाइंसाफी हो और हम रास्ते से हट जाए, इसके लिए। लेकिन कमिश्नर की, प्रशासक की और जो सियासी लोग उनके आशीर्वाद है, ऐसे लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आप कितना भी हम पर कानूनी कार्रवाई कर ले, हमको आप रोक नहीं सकते। हम रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ते रहेंगे। ये आज कमिश्नर को हमको बोलना है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को हम लोग मदद करेंगे। कानून हमने हाथ में नहीं लिया, वीडियो आप लोगों के पास है, लेकिन फरियाद आती है पुलिस को, तो पुलिस को अपना काम करना करना पड़ता है। हम लोग पूरी पूरी कॉपरेट करने के लिए पुलिस को तैयार है। जैसे ही उन्होंने नोटिस दिया आज हम आ गए, और जब भी पुलिस हमको बुलाएंगे हम लोग हाजिर रहेंगे।